हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं टेक प्राइम। आज की सबसे पहली खबर ऑनर 7X फोन की तरफ से आ रही है। यह फोन आज इंडिया में हो गया है लॉन्च। 18.9 इंच एस्पेक्ट रेशियो वाला ये फोन दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, जिसकी कीमत 12999 और 15999 की है। 32GB और 64GB वाले दो वेरियंट्स हैं। इस फोन की फीचर्स की बात कर ले तो 5.93 इंच का डिस्प्ले, लगभग 6 इंच का डिस्प्ले हो गया, इसके साथ 4GB का रैम मिलता है। प्रोसेसर की बात कर ले तो ओक्टा कोर का प्रोसेसर इसमें लगा, 4 कॉर्टेक्स A53 कोर्स वाले बेस्ट प्रोसेसर इसमें देखने को मिल जाएंगे। फोन की हम कैमरे की बात कर ले तो 16 और 2 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा सेटअप वाला ये फोन है और सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल। फोन में तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है यार, कैमरा ड्यूअल कैमरा सेटअप भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 625 वगैरह होता तो काफी मजा आता। रेडमी नोट 4 की टक्कर में काफी बहुत बढ़िया होने वाला था फोन। चलिए, फिर भी डिस्प्ले साइज वगैरह आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, फोन में ड्यूअल कैमरा सेटअप मिल रहा है, तो एक बार आप वहां भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद है खबर है जियो की, तो पहले वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन को जल्दी से जल्दी प्रेस कर दीजिए। रिलायंस जियो वाले जितने भी फीचर्स फोन 1500 वाले फोन है उसमें आपको गूगल असिस्टेंट के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अब आपको मैं बता दूं कि पहले जब रिलायंस ये फोन लॉन्च की थी उस समय ये वॉइस असिस्टेंट तो ऑलरेडी लॉन्च था ही, मतलब आपके वॉइस के कमांड से ये काम करता था। लेकिन गूगल असिस्टेंट आ जाने से फिर तो जैसे सबका फोन, जैसे इसमें भी गूगल असिस्टेंट, नोट 4 वगैरह, मतलब जितने भी नए वाले फोन है सब में गूगल असिस्टेंट के फीचर्स मिलते हैं, तो वो भी सिर्फ फीचर फोन में देखने को मिल जाएंगे। तो आई थिंक ये पहला फीचर फोन होगा जहां गूगल असिस्टेंट के फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगली खबर गूगल तेज की तरफ से आ रही है। सिर्फ 3 महीना पहले गूगल तेज ऐप आया था, अपने इंडिया में लॉन्च हुआ था। यह एक पेमेंट बेस्ड ऐप है। आपको मैं बता दूं कि रेफर एंड अर्न वाले बहुत सारे लोग इसमें 51 रुपीज का कैशबैक वगैरह ऑफर वगैरह इसमें लिए हैं। अब यह ऐप सिर्फ 3 महीना में 12 मिलियन कस्टमर, यानी 12 मिलियन कस्टमर को यह कर लिया है कंप्लीट। मतलब कि यूटिलिटी बिल पेमेंट भी आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं, चाहे वो टेलीफोन बिल हो, पोस्टपेड बिल हो, एयरटेल का रिचार्ज वगैरह वगैरह हो, या फिर डिश का रिचार्ज वगैरह हो, जो भी वो आप कर सकते हैं। लगभग धीरे धीरे और भी कंपनी इसमें जुड़ते ही चलने जाने वाली है। इसके बाद अगली खबर है फिर रिलायंस जियो की तरफ से आ रही है। रिलायंस जियो का डेटा स्पीड, जो इंटरनेट का स्पीड है, उसको टेस्ट किया गया है। माई ट्राइब का जो अपना स्पीड टेस्ट ऐप है उस पर टेस्ट किया गया है। यहाँ पे अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग शहर में टेस्ट किया जाता है, जहाँ पे जो टॉप 4 की कंपनियाँ अपने इंडिया में, जियो, वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया, इस चारों में कंपेयर करके देखा गया है। जहाँ पे जो एवरेज स्पीड रिलायंस की मिली है वो है 19.3 Mbps/s। इसके बाद दूसरी नंबर पर है वोडाफोन, जिसका स्पीड 9.1, लगभग आधा से थोड़ा सा ऊपर है। इसके बाद अगला है आइडिया, जिसका है 8.8, और लास्ट है हमारा एयरटेल 8.6। यार 8.6 मल्टीप्लाई 2 करो तब भी लगभग हो गया 17, मतलब उसके बाद 19.3। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बिग डिफरेंस है स्पीड के मामले में। निश्चित रूप से जियो का परफॉर्मेंस धीरे धीरे और बेटर ही हो रहा है और आगे भी होता ही चला जाएगा। दोस्तों, यही आज का टेक प्राइम लास्ट डील्स ऑफ द डे। आज का डील्स ऑफ द डे यही कहता है कि फ्लिपकार्ट पे बिग शॉपिंग डेज लग रहे हैं 7 से 9 दिसंबर तक। तो जाइए फटाफट, लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है। आपको मैं बता दूं कि रेडमी 5A फोन का जो लॉन्च होने वाला है वो भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप स्टेट बैंक का कार्ड यूज करते हैं तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी है। और मैं आपको एक खबर और भी दे दूं कि पिक्सल 2 फोन यहाँ 39999, यानी 40,000 में आपको मिलने वाला है। 10,000 रुपया से 11,001 रुपया तक का डिस्काउंट अगर आप कार्ड यूज करते हैं। तब दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।